इस वीडियो में हम बात करेंगे 1999 की फिल्म कोजी डेंस या पेलिस्की के बारे में, जो कहानी है दो परिवारों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं और एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, पर एक इंसिडेंट ने उन दोनों परिवारों को एक दूसरे से जोड़ दिया। 1967 की सर्दियों में प्राग में रह रहा लड़का माइकल अपनी जान लेना चाहता था, क्योंकि वो प्यार में पड़ गया था। वो जिंद्रिस्का नाम की एक लड़की से प्यार करता है जो उसके ऊपर वाले घर में रहती है। पर उसी के सामने उसकी जान देने की कोशिश नाकामयाब हुई। इस कोशिश के बाद वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट गया, जहां वो अपनी बहन यूजलिंका को परेशान किया करता है। और उसकी शैतानी से उसके पिता सेबिक परेशान हो चुके हैं। सेबिक एक आर्मी ऑफिसर है जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। वो एक जिद्दी और सख्त आदमी है जिसके घर में हर रोज खाने का मेन्यू तैयार किया जाता है। दूसरी ओर जिंद्रिस्का के पिता क्राउस कम्युनिस्ट से नफरत करते हैं और उन्हें माइकल का परिवार बिल्कुल पसंद नहीं, मगर जिंद्रिस्का उनकी मर्जी के खिलाफ माइकल से दोस्ती रखती है। जिंद्रिस्का माइकल के दोस्त एलियन की गर्लफ्रेंड है, जिसके माता पिता अमेरिका में रहते हैं। एलियन एक छोटा सा फिल्म ग्रुप चलाता है और उस ग्रुप के लोगों को हॉलीवुड और फ्रेंच फिल्में दिखाता है। इस वजह से जिंद्रिस्का एलियन को और पसंद करने लगी और इस बात से माइकल जलने लगा। माइकल को घर के बाहर एलियन परेशान किया करता था और घर के अंदर उसके पिता, जो उसे हर वक्त काम करने के लिए कहा करते हैं। यूजलिंका अपनी मौसी एवा से मिलना चाहती थी, पर उसकी माँ ने बताया कि उनके घर में कोई मेहमान आने वाला है। वो मेहमान जल्द से जल्द एवा का बाथरूम इस्तेमाल करना चाहता था, पर जब एवा का बेटा पीटर रुकावट बना तो वो आदमी अपने आप को रोक नहीं पाया, पर उसकी हरकत उसी पर भारी पड़ गई। जिंद्रिस्का के घर में भी क्रिसमस की तैयारी चल रही थी, पर उनकी तैयारियां बाकियों से अलग थी। क्रिसमस के दिन माइकल की दादी और चाचा उसके घर आए और वहां आते ही उसके चाचा वक्लाव की मजाकिया हरकतें शुरू हो गई। दोनों भाई अपनी अजीबोगरीब हरकतों में लग गए। और तब जिंद्रिस्का माइकल से माफी मांगने उसके घर आई। उसने कहा कि एलियन भी अपनी हरकत से शर्मिंदा है और एक तोहफा मिलने पर माइकल ने उन दोनों को माफ कर दिया। सेबिक हर वक्त अपने भाई के सामने बेहतर होने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसने कह दिया कि वो एक मिनट तक अपनी सांसें रोक सकता है। जिद्दी सेबिक को वो सब ऐसा करने से रोकने लगे, पर वो अपने आप को मारने के लिए भी तैयार था। सेबिक की जिद अब एक खेल बन गया, पर इस खेल में उसे ही हार माननी पड़ी। क्रिसमस डिनर का वक्त आया और तब क्राउस उन लोगों को याद करने लगा जिनकी वॉर में मौत हुई है। जिंद्रिस्का को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अपने पिता की हरकतें समझ नहीं पाई। दूसरी ओर माइकल का परिवार अपने कम्युनिस्ट अंदाज में क्रिसमस मना रहा था। माइकल उस रात चाहता था कि तोहफे में उसे अमेरिकन जूते मिले, पर उसके पिता ने जो जूते उसे दिए उन्हें देखकर उसके सारे अरमान चूर चूर हो गए। सेबिक ने अपनी पत्नी को भी एक तोहफा दिया और तोहफे में ग्लासेस दिए, जिसके बारे में उसने बताया कि वो मामूली ग्लासेस नहीं, क्योंकि वो ग्लासेस गिरने पर भी टूटते नहीं। और ये सुनकर माइकल हंसने लगा, पर माइकल को चुप करा के सेबिक सबको ग्लासेस का जादू दिखाने लगा। उसने एक एक कर सबको ग्लास गिराने के लिए कहा और जैसे ही उसने माइकल को ग्लास गिराने के लिए कहा तो उसने ग्लास ही तोड़ दिया। एवा पीटर के लिए एक पिता ढूंढ रही थी और उसे महसूस होने लगा कि उसके घर आया मेहमान सासा एक अच्छा इंसान है और शायद वो पीटर का पिता बन सकता है, पर पीटर उसे घर से भगाना चाहता था क्योंकि सासा उसी का बायोलॉजी टीचर है। दूसरी ओर क्राउस अपने परिवार को अपने हाथों से बनाए अजीब से तोहफे दे रहा था और उन तोहफों को देखकर जिंद्रिस्का उसका मजाक उड़ाने लगी। ये तीनों ही परिवार अपने अपने तरीके से क्रिसमस मना रहे थे, पर हर परिवार में बच्चों और बड़ों के बीच के पीढ़ी का अंतर साफ नजर आ रहा था। एक तरफ सेबिक अपने बहादुर होने का सबूत दिखाने में लगा था, तो दूसरी तरफ माइकल अपनी शैतानियों में लगा था और उसने अपने पिता को परेशान करने के लिए एक अमेरिकन सिंगर का पोस्टर दीवार पर लगा दिया। एवा और सासा एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, पर उनके बीच पीटर आ गया और कहने लगा कि वो अपना पिता खुद चुनना चाहता है। उस रात जब सासा पीटर पर चिल्लाने लगा तो एवा को भी एहसास हुआ कि शायद सासा उसके लिए ठीक नहीं। अगली सुबह पोस्टर देखकर सेबिक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और माइकल को बुरा भला कहने लगा, मगर इससे माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ा।
जेंद्रिस्का की माँ विल्मा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बीमार थी, पर क्राउस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने आप को मर्द साबित करने की कोशिश में अपनी ही बेटी के सामने मजाक बनता जा रहा था। दूसरी ओर सेबेक को भी उसके परिवार के बच्चे मजाक समझ रहे थे। एवा ने बताया कि सासा पीटर का पिता बनने के लिए सही नहीं है, इसलिए वो न्यूज़पेपर में एक ऐड देगी, पर ऐड की बात माइकल की माँ को अजीब लगी। क्राउस और जेंद्रिस्का का रिश्ता इतना खराब था कि वो खाने की चीज को लेकर भी एक दूसरे से बहस करने लगते थे। वो अपने मेहमान के सामने भी सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि जेंद्रिस्का ने डंपलिंग को एक इटालियन नाम से बुलाया और इसे अपनी बेइज्जती समझकर क्राउस ने अपना आपा खो दिया। उसे शांत करना नामुमकिन साबित हो रहा था, पर जेंद्रिस्का फिर भी अपनी बात को सही साबित करते हुए उसे परेशान करने लगी। क्राउस की चीखें सुनकर सेबेक ने युजलिंका को उसके घर भेजा और युजलिंका ने कहा कि उसके पिता चाहते हैं क्राउस क्रिसमस के दिन अपना मुंह बंद रखे। ये सुनकर क्राउस और चिल्लाने लगा और क्राउस और सेबेक के बीच लड़ाई हो गई। कुछ महीनों बाद देश में विद्रोह का माहौल शुरू हुआ, पॉलिटिशियंस बदलने लगे और इस बीच स्कूल में एक पुलिस वाले को उसकी नौकरी के बारे में बताने के लिए बुलाया गया। बच्चे पहले तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, पर फिर उसने बताया कि ड्यूटी पर उसे एक आदमी को मारना पड़ा और इस मर्डर के बारे में सुनकर सब हैरान हो गए। देश के उस माहौल में क्राउस पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाना चाहता था, पर क्योंकि वो पहले भी ऐसा करने पर जेल जा चुका है, विल्मा ने उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर भी क्राउस ने उसकी बात नहीं सुनी। विल्मा की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, पर क्राउस नाराज था क्योंकि वो अपनी बीमारी छुपा रही थी। एवा की खोज अब भी जारी थी, पर उसे न्यूज़पेपर ऐड के जरिए सिर्फ अजीब मर्द ही मिल रहे थे। उसे एक जादूगर मिला जिसके करतब पीटर को बकवास लग रहे थे और एवा को डरावने। कुछ दिनों बाद सासा को पता चला कि एक कम्युनिस्ट का बेटा माइकल एलियन जैसे अमेरिकन सपोर्टर का दोस्त है और उसने ये बात सेबेक को बता दी। विल्मा जानती थी कि जेंद्रिस्का एलियन को पसंद करती है और उसने कहा कि क्राउस जवानी में एलियन जैसा दिखता था। इस बात ने उसे परेशान कर दिया और माइकल से पूछने पर उसने भी कहा कि वो दोनों एक जैसे लगते हैं। जिस वक्त माइकल जेंद्रिस्का के साथ था उस वक्त सेबेक वहाँ आ पहुँचा और अपने बेटे को फिल्में देखने के लिए सजा देने की बात करने लगा। सेबेक ने जेंद्रिस्का से कहा कि उसके पिता को उसका माइकल के साथ रहना पसंद नहीं आएगा, पर ना तो जेंद्रिस्का को उनकी बात से कोई फर्क पड़ा और ना ही माइकल को, जो मौका मिलते ही वहाँ से भाग गया। सेबेक के जाते ही माइकल की माँ भी फिल्म देखने लगी और वो खुश थी क्योंकि 15 सालों बाद वो एक फिल्म देख रही थी। उसी रात जेंद्रिस्का से उसकी खुशियाँ छिन गई क्योंकि उसे पता चला कि विल्मा की मौत हो चुकी है। जेंद्रिस्का अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी और उसे इस तरह देखकर माइकल भी दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद एवा के घर वही पुलिस वाला आया जो कुछ महीनों पहले स्कूल में आया था और इस बार एवा ने पीटर को अजीब से सवाल पूछने से रोक दिया। उस पुलिस वाले ने वहाँ भी अपने एनकाउंटर का किस्सा सुनाया और वो किस्सा सुनकर एवा ने उसे घर से निकाल दिया और फैसला कर लिया कि वो आगे से पेपर में कोई ऐड नहीं देगी। विल्मा की मौत के बाद क्राउस पूरी तरह बदल गया, वो एक शांत इंसान बन गया और इस वजह से वो जेंद्रिस्का से भी प्यार से बात करने लगा। जेंद्रिस्का अपने पिता को संभालने लगी और उन्हें बेहतर समझने लगी। कुछ दिनों बाद एवा ने पीटीए मीटिंग रखी जहां उसने सबको बताया कि उनके बच्चे गालियां बहुत ज्यादा दे रहे हैं। उस मीटिंग में क्राउस देरी से आया क्योंकि स्कूल आने का काम हमेशा विल्मा किया करती थी, इसलिए वो स्कूल का रास्ता तक नहीं जानता था। मगर क्राउस को एवा ने बताया कि उसे दूसरी मीटिंग में जाना होगा और वहां से निकलकर क्राउस क्लासरूम ढूंढने लगा। रूम ढूंढते हुए अचानक सासा क्राउस के सामने आया और उसने क्राउस को कॉमरेड बुलाया। ये सुनकर क्राउस ने उसे मारा क्योंकि वो कम्युनिस्ट को पसंद नहीं करता। एवा को पता चला कि क्राउस पूरे दिन स्कूल में घूमकर भी रूम नहीं ढूंढ पाया और इसी बात पर हंसते हुए उन दोनों की दोस्ती हो गई। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था और एवा और क्राउस एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक तरफ एलियन खुश था क्योंकि उसके पिता ने उसे अमेरिका बुलाया था, तो दूसरी तरफ एवा खुश थी क्योंकि आखिरकार उसे वो आदमी मिल गया जो पीटर के लिए एक अच्छा पिता बन सकता है। जब सेबेक को क्राउस और एवा के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गया, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाया। जिस तरह पीटर क्राउस को पसंद करने लगा था, उसी तरह जेंद्रिस्का भी एवा को पसंद करने लगी थी, पर वो अब भी किसी और को अपनी माँ की जगह देना नहीं चाहती थी। हर कोई खुश था सिवाय माइकल के, क्योंकि जेंद्रिस्का अब भी एलियन के साथ थी। पर एक रात जेंद्रिस्का ने उसे बताया कि एलियन अमेरिका जा रहा है। एलियन के जाने के बाद कुछ ही दिनों में एवा और क्राउस की शादी का दिन आया। उस दिन माइकल ने जेंद्रिस्का को पाने की कोशिश की, पर जेंद्रिस्का ने कह दिया कि एवा और क्राउस के एक होने के बाद वो दोनों कजिन्स बनने वाले हैं और भाई बहन के रिश्ते के अलावा उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, और ये सुनकर माइकल की सारी उम्मीदें टूट गई।
वो दोनों परिवार जो सालों से एक दूसरे से नफरत करते रहे, अब इस शादी के बाद एक हो रहे थे और बिना किसी बहस के क्राउस उन सबको वो मिनिएचर दिखा पाया जो वो सालों से बना रहा था। वो मिनिएचर उस जंग का था जिसमें वो अपने भाई के साथ लड़ा था, और क्राउस के गर्व को टक्कर देने के लिए कुछ वक्त बाद सेबेक ने एवा और क्राउस को एक तोहफा दिया। तोहफे में उसने उन दोनों को प्लास्टिक की चम्मच दी और गर्व से उन्हें बताने लगा कि ये जर्मनी से आई है और कम्युनिस्ट लोगों की तरफ से उनके लिए एक तोहफा है। मगर सारी की सारी चम्मच गर्म चाय में पिघल गई और फिर से सेबेक का सबके सामने मजाक बन गया। उन सबसे दूर माइकल शराब के नशे में दुखी बैठा था और जिंद्रिस्का भी अपनी माँ के कपड़ों के बीच जाकर बैठ गई। अचानक यूजलिंका ने माइकल को अवन में बैठा देखा और सोचने लगी कि वो मर गया, पर फिर माइकल को उस अवन से बाहर निकालकर होश में लाया गया और उसके होश में आते ही सेबेक बेहोश हो गया। जैसे ही हॉस्पिटल से खबर मिली कि माइकल ठीक हो रहा है तो सेबेक दूसरों के साथ इस बात पर हंसने लगा कि माइकल ने एक इलेक्ट्रिक अवन में जान देने की कोशिश की थी, और उस वक्त सेबेक और क्राउस ने अपने सारे गिले शिकवे मिटा दिए। अचानक उस रात कुछ प्लेन्स ने हमला कर दिया और सबको ये खबर मिली कि रशियंस उनके देश पर कब्जा करने आ चुके हैं। वो वही रात थी जिस रात चेकोस्लोवाकिया को तोड़ने के लिए उन पर हमला किया गया था, और उस रात के बाद उस देश के लिए सब कुछ बदल गया। माइकल जब हॉस्पिटल से घर लौट कर आया तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, और इस बार अपनी जान देने की कोशिश उसने नहीं बल्कि सेबेक ने की, जो बदलते हालात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सासा एक रशियन कम्युनिस्ट होने की वजह से अब स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। माइकल की माँ अपनी बहन से वापस कभी नहीं मिल पाई, क्योंकि जब एवा और क्राउस हनीमून के लिए लंदन गए तो वो 20 सालों तक अपने देश वापस नहीं आ पाए, और क्राउस का घर हमेशा के लिए खाली रह गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।